मैं शीला गोरणिया बोल रही हूँ, सर्वेक्षा ग्रुप की मेंबर हूँ। आज हम छेना रसगुल्ले बना रहे हैं। इस रसगुल्ले में ये विशेषता है घी तेल के यूज नहीं होता। रसगुल्ले बनाने की सामग्री, ये एक स्पून कॉर्नफ्लोर और दो स्पून विनेगर, एक बॉयल शक्कर और पानी, 1 लीटर दूध। दूध को कम आंच में हिलाते रहें, इसमें हिलाते रहे और मलाई नहीं आनी चाहिए जब तक दूध गर्म हो रहा है, जब तक अपन चाशनी की तैयारी करते हैं। उसमें एक कप एक बॉयल शक्कर, उसमें 5 बॉयल पानी। दूध ठंडा हो चुका है, अब दूध को फाड़ने के लिए विनेगर डालेंगे और विनेगर थोड़ी थोड़ी स्पीड से डालेंगे, एक साथ ही डालेगा, धीरे धीरे डालेंगे और जैसे फटता रहेगा दूध फटता रहेगा। हाँ देखिए, ऐसा होना चाहिए, पानी और छेना अलग हो जाना चाहिए। ये रस्सी तैयार हो चुकी है, अब जब तक हम छेना छान के रेडी कर देते हैं। एक बॉल ले लेते हैं, बॉल पे एक छन्नी लगा देते हैं, छन्नी पे एक बारी कपड़ा लगा देते हैं, इस पे छेना छानने में सही रहता है। इसको पूरे अच्छे तरह से छान लिया और ये ना छेदा निकल गया, इसको टाइट नीचो दो। इसको विनेगर का जो पानी था ना, मिक्स करा, उसको धोना पड़ेगा। okay. छेले को अच्छे से 2-3 पानी से धोना पड़ेगा ताकि इसमें खटास या विनेगर का टेस्ट नहीं। छेले को पानी कस के निकालना, इसको आधा घंटा तक बांध के रखना है, इससे सब पानी निकल जाएगा और डायरेक्ट टाइट हो जाएगा। इससे पानी निकल जाए उसको आधा घंटे तक रखना है। छेने को थाली में निकाल देते हैं, ठीक है। उसको भी दानेदार है ना, छेने को जब तक कुछ 10-15 मिनट तक ऐसे करते रहते, इससे ये दानेदार हट जाएगा। फेंटना है, हथेली से करना है। इसमें तो कॉर्नफ्लोर, 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डालेगा और उसको अच्छे से मिक्स कर देगा। अब इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, छोटे साइज के बनाएंगे, ताकि ज्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर फट जाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे। बॉल को उठा के उसको ऐसे दबा दबा के ताकि क्रैक नहीं आए, ऐसे गोल गोल बनाना। ये कंप्लीट हो गए, अब इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालते हैं, 8 से 5 मिनट तक चाशनी के पानी से उबालना। 4 मिनट हो चुके और 4 मिनट बाद इसको ढक के रखना 5 मिनट तक। अब 5 मिनट हो चुके हैं, रसगुल्ले को देख लेते हैं। अब रसगुल्ले की साइज भी बड़ी हो चुकी है और 5 मिनट और रख लेते हैं। अब रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं, इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं और ये पानी के नीचे अगर डूबता है तो रसगुल्ले कम्प्लीट तैयार होंगे। 10 सेकंड रखने के बाद इसको बाउल में निकाल देते हैं। मैं इस वीडियो के लिए सर्वेश्वरा ग्रुप को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।